पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अखिल भारतीय क्षत्रिय विकास मंच की एक बैठक स्वरूपी देवी मेमोरियल इंटर कॉलेज रामलीला मैदान लाइन पार में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष रामेंद्र सिंह और संचालन श्री विजेंद्र सिंह द्वारा किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में एसपी सिंह प्रांतीय उपाध्यक्ष ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, तो वहीं बैठक में अरविंद कुमार सिंह, दिनेश सिसोदिया, वीरेंद्र कुमार सिंह, अभय कुमार सिंह महासचिव जिला बार एसोसिएशन का संबोधन हुआ। बैठक में सभी जनों ने अभय सिंह महासचिव बार एसोसिएशन को माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया, तो वहीं राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप के चित्र पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलन के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। बैठक के उद्देश्यों की चर्चा करते हुए वक्ताओं ने संगठन को और मजबूत करने का प्रयास करने की बात कही, साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोग एकजुट होने की भी बात कही गई। अखिल भारतीय क्षत्रिय विकास मंच की बैठक में सभी जनों ने सभी राजनीतिक दलों से मांग की है कि महानगर में हमारे वर्ग के लगभग 1,00,000 मतदाता हैं, इसीलिए उनके बारे में भी सोचना राजनीतिक दलों की अहम जिम्मेदारी है। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य तो ये है कि जो हमने 2021 और 2022 में का 22 में जो कार्यक्रम किए हैं उनका एक तो आयोग का व्यवहार हम हर साल देते रहे। दूसरा विषय है कि समाकालीन विषय चुनावी जो है, जो नगर निगम चुनाव हो रहे हैं, क्षत्रिय विकास मंच इसमें क्षत्रियों के लिए एक आवाज़ उठाना चाहता है कि 1,00,000 लगभग क्षत्रिय वोटर है। पिछली बार चुनाव में समझताल में भारतीय जनता पार्टी ने केवल 2 सीटें हमें दी। हमें केवल ये कह रहा है क्या 1,00,000 के प्रतिनिधित्व वाले को आप 2 सीटें देना चाहेंगे? इसके मुकाबले हम किसी जाति विशेष की चर्चा नहीं करेंगे, ना मैं इस बार जाति विशेष चर्चा करूँगा किसको कितनी सीटें मिली। हम केवल अपने अधिकारों की बात करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से ये मांग करते हैं कि हमें कम से कम नगर निगम में 15 सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाए, ये हमारी मुख्य मांग है। दूसरा हमारा ये उद्देश्य जो हम बैठक करते हैं, बैठक हम करते रहते हैं और इसमें के द्वारा हम अपने भाइयों को संगठित करने का काम करते हैं। समय समय पे उनके द्वारा किए गए कार्यों के, जैसे अभय सिंह जी आए हैं जो महासचिव है, उनको भी सम्मानित करना। हम अपने ही लोगों को सम्मानित नहीं करते बल्कि सभी जातियों के प्रबुद्ध वर्ग के जो भी लोग काम करते हैं उनका भी सम्मान करते हैं। लेकिन आज का विषय केवल ये विषय है कि ये नगर निगम का चुनाव है, हमें पार्टी राजनीतिक जो पार्टी है हमारे 1,00,000 वोटर के होते हुए हमें प्रतिनिधित्व को हमारा प्रतिनिधित्व खासतौर से भाजपा कह रहा है कि वो जो 15 सीटें हमें देनी चाहिए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।